आप मिलते नहीं, मिलाए जाते हैं यूनिवर्स के द्वारा। जी हाँ, अपने कर्मों के आधार पर, अपने ही प्रारब्ध के आधार पर, अपने ही पूर्वनिर्धारित कर्मों के आधार पर ही आप लोगों से मिलते हैं। और सोच के देखिए ना, आपको इसलिए कितने लोगों से ही मिलते हैं। देर इज 9 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, 9 बिलियन लोग हैं, लेकिन आप मिलते कितने लोगों के साथ हैं? बामुश्किल एकदम करीब के 15-20 लोग, और सब मिलाकर के 200 लोग पूरी जिंदगी जिनको आप शायद याद रखें। टकराते तो बहुत लोग ही हैं जिन्होंने आपके साथ समय बिताया, बहुत अधिक में भी, अधिक से अधिक में भी 200 लोग, स्कूल कॉलेज ऑफिस सब काउंट करके बोल रहा हूँ, है ना। तो 9 बिलियन लोगों में से 200 लोग ही आपकी जिंदगी में हैं, उनमें से भी कुछ खास 15 लोग या 20 लोग आपके परिवार के होते हैं और एक आपका जीवन साथी होता है ना। चलो 3-4 रिलेशनशिप को भी काउंट कर लेते हैं जिनके साथ मिले, संबंध में रहे, प्रेम में रहे, ब्रेकअप हो गया, छोड़ दिया। तो आज हम समझेंगे कि जो भी आपके जीवन में आया है, जो भी आपके जीवन में आया था, वो आपके कर्मों के अनुसार ही यूनिवर्स ने आपसे मिलवाया था। कि कोई भी मिलते नहीं, मिलवाए जाते हैं। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक भैरवान, आपका अपना हैप्पी वाला ही। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, जिन्हें सीख कर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रोथ करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। कई लोगों के जीवन में ऐसा जीवन साथी आता है जो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा खर्च करवाता है। होता है ना कई बार, जैसे कि कुछ लोगों की फीमेल पार्टनर जो होती है बहुत खर्च करवाती है उनसे, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती है, ये शॉपिंग वो शॉपिंग ये। तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं आप उनके कर्जदार रहे हो पैसों को लेकर के, कहीं ना कहीं आप उनके कर्जदार पिछले जन्म में थे जिन्हें आज चुकाना पड़ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा बदतमीज होते हैं, बहुत ज्यादा रूड होते हैं, बहुत ज्यादा आपको छोड़ के कहीं भी उनका ध्यान रहता है, बाहर ज़्यादा दोस्तों के साथ ज़्यादा रहते हैं, आप पर ध्यान नहीं देते। तो कहीं ना कहीं आपके ही वो कर्म है जिन्होंने आप कभी जीवन में आपने उनके साथ ऐसा किया होगा या किसी के साथ ऐसा किया होगा। तो क्या करें, सहते रहें? नहीं, परमात्मा से माफ़ी मांगें, परमात्मा से क्षमादान मांगें और उन्हें उनके लिए थोड़ा बहुत बोले भी, लेकिन बदलेगा कुछ नहीं। जब तक आपके कर्म कट नहीं जाते तब तक आपको ये भोगना ही पड़ेगा। खैर, क्षमादान और प्रायश्चित सबसे अच्छा तरीका होता है अपने कर्म से बाहर निकलने के लिए, जिसके लिए मैंने एक क्षमादान प्रार्थना बनाई हुई है अपने दूसरे चैनल में, जिसका लिंक आपको यहाँ दिख जाएगा। उस क्षमादान प्रार्थना को करने से बड़े कर्म कट जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि आप जीवन साथी के मामले में ही ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैंने गलत इंसान को चुन लिया, मैंने अच्छे इंसान को चुना, मुझे बहुत सही इंसान मिला है, या मैंने गलती कर ली चुनने में, या फिर ये पहले ऐसा नहीं था अब ऐसा है? जीवन साथी के मामले में ही ऐसा बोलते हैं। माता पिता, भाई बहन, अपने ब्लड रिलेटिव्स के बारे में ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि वो रिश्ता आपको जन्म से मिला था। पर एक बार सोच के देखिए, क्या आपने तब भी उन्हें चुना था? नहीं, तब भी आपने उन्हें नहीं चुना था। तब वो रिश्ता आपको जन्म के साथ ही मिला था। जब आप पैदा हुए तब आपको आपके घर वालों ने बताया कि ये तुम्हारे माता पिता हैं, ये तुम्हारे भाई बहन हैं, ये तुम्हारे सगे संबंधी हैं, है ना। तो वो कैसे मिले? तब तो आपने नहीं चुना था, तब भी एक्सेप्टेंस था उन्हें लेकर के। लेकिन जिन्हें आपको लगता है आपने चुना है, उनके साथ अभी भी आप असंतुष्ट देखे जाते हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि आपने उन्हें चुना, आपने उन्हें पसंद किया, मैंने लव मैरिज की, या हम 3 साल के रिलेशनशिप के बाद शादी किए, या हमारे घर वालों ने इतने अच्छे रिश्ते को खोज करके हमारे लिए लाए, या हमारे अंकल ने हमको ऐसे ऐसे लड़के से लड़के से मिलाया तो हमको ये रिश्ता हुआ। आपको लगता है कि आपने कुछ ना कुछ किया। गलत। जैसे बाकी कोई संबंध, बाकी कोई भी रिश्ते आपको अपने से आपने नहीं चुना था, वैसे ही इसे भी आपने नहीं चुना, ये भी आपके कर्म के अनुसार ही आपको मिले हैं, आपके प्रारब्ध के अनुसार ही आपको मिले हैं। कर्म और प्रारब्ध पर मैंने पहले भी चर्चा कर रखी है ना।
जैसा कि हम जानते हैं कि इस जीवन में सिर्फ हम इंसान ही हैं जो अपने प्रारब्ध को भोगने और नए कर्म नए प्रारब्ध को बनाने के लिए आते हैं, बाकी सारे जीव जंतु अपने प्रारब्ध को केवल भोगने आते हैं। तो अब अगर आप जान चुके हैं कि अपने कर्मों के अनुसार ही हमें लोग मिलते हैं, हमारे दोस्त यार, हमारे रिश्तेदार, हमारे माता पिता, जो भी लोग हैं हमारे पूर्वजन्म के ही साथी रहे हैं, कोई ना कोई साथी रहे, कोई ना कोई हमारे उनके साथ हिसाब किताब रहा है ना, तो कभी भी अगर किसी के साथ कोई हिसाब किताब है, कोई लेन देन है, खासकर पैसों का, तो उसे चुका दें, उसे पूरा कर दें। ये कभी मत सोचना कि वो तो भूल गया, उसे याद नहीं है, तो चुकाने की क्या जरूरत, ये पैसा आपको चुकाना ही पड़ेगा और कई गुना करके चुकाना पड़ेगा। जितना लेट करोगे, जितना समय बीतेगा, उतना ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। तो जो पैसा आपने किसी का भी ले लिया है उसके लिए आपको कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा। कोई भी इंसान को ऐसी कोई बात मत कहना, ऐसा कोई दिल मत दुखाना अपने कर्मों से, अपने कृत्य से, कि उनके अंदर से वो भावना निकले कि आपको भी वो चीज़ मिलनी चाहिए। वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, हो सकता है उनके द्वारा ना मिले लेकिन किसी और के द्वारा मिलेगी। तो ये कर्मों का सिद्धांत को आप समझो, अपने कर्मों को सहेज के रखो, क्योंकि जो भी आप इस यूनिवर्स को दे रहे हो, जो भी तीर इस यूनिवर्स में छोड़ रहे हो, वो घूम के आपको लगेगी ज़रूर। और जो फूल आप यूनिवर्स की तरफ फेंक रहे हो, वो फूल भी आपको और ज़्यादा खुशबूदार होकर। एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, कि आपके बुरे कर्मों के लिए, आपके पापों के लिए आपको सजा बहुत छोटी मिलती है, लेकिन आपके अच्छे कर्मों के लिए आपको रिवॉर्ड, आपको पुरस्कार बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन फिर भी हम असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि हमारे अच्छे कर्म ही कम रहे तो रिवॉर्ड भी कम ही था, और हमारे बुरे कर्म इतने ज़्यादा रहे तो कम फल मिलते हुए भी वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो आज हमने इन बातों को पकड़ा कि कोई भी रिश्ता ऐसे ही नहीं आता, वो हमारे लिए लाया जाता है, वो हमारे लिए मिलाया जाता है। तो आज से ही अपने कर्मों को अच्छा करना शुरू कर दीजिए, अच्छे विचार किया करें, क्योंकि अच्छे विचार से ही अच्छे एक्शंस, अच्छे कर्म हमसे होते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो भी आपके अच्छे कर्मों की वजह से ही, आपके ही प्रारब्ध की वजह से आप तक पहुंचा, जिससे आपको ये ज्ञान मिला। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपके जीवन में भी ऐसा कोई इंसान आया जिसकी वजह से आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। बहुत लोगों की वजह से नुकसान भी हुआ है, तो वो भी आपके ही कर्म थे। तो परमात्मा को धन्यवाद कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, बहुत सारी चीज़ें सीखनी बाकी है ना। नमस्ते जी।